बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग मैप पढ़ेंगे, ठीक है, कि मैप क्या है और मैप के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, मैप का कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है ना, इसको हम देखेंगे। मैप को कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि डार्ट के अंदर मैप जो है ना वो क्या है। मैप जो है ना एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेटा को स्टोर करता है फ्रॉम ऑफ की वैल्यू पेयर को। वैल्यू का जो पेयर होता है उसी डेटा को वो क्या करता है, स्टोर करता है। उसे क्या कहा जाता है, मैप कहा जाता है डार्ट लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं डार्ट का, मैप का, कि उसका सिंटैक्स क्या है, ताकि जो है ना जो हम प्रोग्राम कोई बनाएंगे उसमें क्या होगी, हमें क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। मैंने कहा वॉर, लेट सपोज मैं कोई भी स्टूडेंट के नाम से UDNGS मैंने स्टूडेंट नाम लिखा और मैंने कहा ये बराबर है, ठीक है। अब मैं कोई भी नाम, मतलब कि मैंने कहा नेम के अंदर नेम, मैंने कहा नेम जो है ना वो क्या है, और नेम मैं किसी का भी नाम यहाँ पे दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा हसीब, हसीब का नाम दिया मैंने, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे कॉमा लगाया और फिर मैंने कहा एज जो है, एज असीब की जो एज है वो कितनी है, असीब की जो एज है वो कितनी है, मैंने कहा असीब की एज कितनी है। लेट्स सपोज आप कोई भी नाम एज दे सकते हैं, तो मैंने कहा आप अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं भी देना चाहते तो नहीं भी दें। मैंने कहा 14, ठीक है। और लास्ट में क्या क्या सेमी कॉलन लगाया, और ये जो स्टूडेंट है ना इसको मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है ना रन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि नाम हसीब आ चुका है और एज जो है ना उसकी कितनी है, 14 है। ये इस तरीके से क्यों आ रहा है, आपको जो मैंने डिफिनीशन या आपको मैंने एक लाइन के अंदर जो समझाया कि मैप क्या होता है, डार्ट मैप इज़ एन ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट है दैट डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अ की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर के अंदर वो डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, उसे मैप कहा जाता है, ठीक है। ये था उसका सिंटैक्स। अच्छा, अब इसी के अंदर हम लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है। लेट सपोज इसी को मैं जो है ना कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना मैंने लिखा स्टूडेंट मैंने स्टूडेंट लिखा और मैंने कहा स्टूडेंट जो है ना वो बराबर है। लेट सपोज़ या मैं मतलब जो भी यहाँ पे देना चाहता हूँ वो भी देता हूँ। स्टूडेंट्स के अंदर मैंने कहा जो स्टूडेंट्स का कोर्स है, लेट सपोज जो हसीब का कोर्स है, मैं कोर्स लिख देता, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मैंने कहा कोर्स, हसीब का जो कोर्स है, हसीब स्टूडेंट्स है एक और उसका नाम हसीब है, ठीक है, एक स्टूडेंट्स है उसका नाम हसीब है और उसकी एज कितनी है, 14 है, और वो उसका कोर्स क्या है, क्या पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा वो पढ़ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या लगाया, सेमी कॉलन लगाया, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा प्रिंट कर देता। अब इस वैल्यू पेयर के अंदर जो है ना ये भी एडिशन हो जाएगा जो अभी मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब इसी को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है कि पहले यहाँ तक था, एज तक था, उसके बाद अब कोर्स भी आ गया, और कोर्स के बाद कह रहे हैं कि आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वो भी ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास ऐड का फंक्शन कि आप मैप के अंदर किसी भी चीज़ को या किसी भी स्ट्रिंग को किस तरीके से ऐड करते हैं या किसी भी नंबर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि मैप का कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ होता है और कैसे काम करता है। इसी को मैं जो है ना कमेंट्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिए और यहाँ पे मैं जो है ना अब मैप का जो कंस्ट्रक्टर है, यूजिंग मैप कंस्ट्रक्टर, अब कैसे यूज़ होता है मैप कंस्ट्रक्टर डार्ट लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा वॉर, वह स्टूडेंट लिखा, ठीक है। मैंने कहा स्टूडेंट जो है वो बराबर है किसके, न्यू मैप के,
नहीं, मैप के बराबर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन भी आएगा। अच्छा अब ये मेरे पास आ गया मैप का कंस्ट्रक्टर। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे देनी होगी, ऐसे वो मैंने कहा स्टूडेंट आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के अंदर मैंने यहाँ पे कहा कि जो भी आप, मतलब फॉर एग्जांपल आप नाम देना चाहते हैं, मैंने नाम दे दिया, ठीक है। और नाम के अंदर मैंने कहा कि ये बराबर है किसके, राशिद के, राशिद के बराबर है, ठीक है, मैंने कहा, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पे सेमी कोलन लगाया, फिर मैंने कहा स्टूडेंट्स की जो एज है वो किस, क्या है, स्टूडेंट्स की एज जो है ना वो बराबर है किसके, लेट्स सपोज मैंने कहा राशिद को जो एज है वो क्या है, 16 है मेरे पास, ठीक हो गया। अच्छा अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि राशिद का कोर्स क्या है, ठीक है। स्टूडेंट मैंने कहा राशिद का जो कोर्स है वो क्या है, यहाँ पे मैंने कहा कोई भी कोर्स दे सकते हैं, मैंने कहा कंप्यूटर आईटी कोर्स है या कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है, मैंने कहा आईटी कोर्स। आईटी कोर्स लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं और अगर मैं ब्रांच भी लिख देता हूँ कि आईटी कोर्स कहाँ से ब्रांच, कहाँ से रिलेट होता है, उसकी कौन सी ब्रांच से ये रिलेट होता है, ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स लिखा। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ लिखा ब्रांच क्या है, ठीक है, तो कॉमा लगाया, मैंने कहा ब्रांच जो है ये कंप्यूटर साइंस है, क्या है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये मेरे पास प्रोग्राम बन चुका है और लास्ट में जो है ना मैंने क्या करना है, प्रिंट कर देनी है स्टूडेंट को। स्टूडेंट्स को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है ना क्या हो जाएगा, पेयर्स के अंदर आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है नेम क्या, राशिद है, एज कितनी है, 16 है, कोर्स आईटी है और ब्रांच कहाँ कौन सी है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये था मैप का कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से मैप का कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है और इसका जो सेंटेक्स है वो इस तरीके से है बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप हो गया, सेट हो गया और लिस्ट, मतलब इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग लिस्ट को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन डार्ट लैंग्वेज के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरे की जगह ये सारी चीज़ें यूज़ होती है हमारे पास, ठीक है। एरे दूसरी लैंग्वेज के अंदर हम लोग एरे का यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास जो है मैप का यूज़ होता है, इस तरीके से हमारे पास लिस्ट का यूज़ होता है, अभी हमने पढ़ा सेट का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का यूज़ एरे की जगह यूज़ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसमें अगर कोई आप सबका सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं और ये इस वीडियो को आपने क्या करना, आगे जाके शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी कुछ सीखने को मिले, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।